नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई की वेरना के साथ में एमजी की हेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं और ये सुनते ही कई सारे लोग मुझे बेवकूफ़ और पागल कहने वाले हैं कि एक मिड साइज सेडान को मैं एसयूवी के साथ में कैसे कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का सेगमेंट अलग अलग है। लेकिन दोस्तों इस कंपैरिजन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर अहम मुद्दा जो है वो है दोनों गाड़ियों का प्राइस क्लैश या फिर प्राइस गैप। जब आप दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप सुनेंगे तो आपको एक छोटा सा झटका ज़रूर लगने वाला है दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के बाद में शायद आप वेरना को लेना भूल जाएंगे और एमजी की हेक्टर को ही प्रेफर करेंगे। दोस्तों एमजी की हेक्टर एमजी का इंडिया में सबसे पहला प्रोडक्ट है और अपनी अच्छाइयों के दम पर, अपनी खूबियों के दम पर इस गाड़ी ने अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बेहद ही स्ट्रांग पोजीशन बना ली है। यहाँ पर पेट्रोल के मामले में हम वेरना का जो 1 लीटर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ में आता है, और 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है, इसकी जो टॉप वेरिएंट है उनको एमजी का जो सेकेंड वेरिएंट है यानी कि बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर जिसका नाम है सुपर, उसके साथ में कंपेयर करने वाले हैं। और इसका बेसिक सा रीज़न दोनों गाड़ियों का प्राइस क्लैश या फिर प्राइस गैप है। दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा। हर सेक्शन के साथ में मैं अपने पॉइंट्स क्लियर करूंगा सेक्शन ख़त्म होते ही, और वीडियो ख़त्म होने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ में दोनों गाड़ियों का प्राइस क्लैश भी शेयर करूंगा, जिसके कारणवश आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि अगर ये गाड़ी आपके सेगमेंट में और आपके बजट में है, पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए, तो आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए, आपको वेरना लेनी चाहिए या फिर एमजी की हेक्टर। एंड आई एम श्योर आपके जहन में भी कई सारे सवाल होते हैं जैसे कि वेरना आपको लगता है कि वो हेक्टर से बेहतरीन प्रीमियम और अच्छे फीचर्स के साथ में आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगी, क्या आपको ऐसे लगता है कि एमजी की हेक्टर और वेरना में जो प्राइस गैप होने वाला है ये आपको मजबूर कर सकता है कि आपको वेरना छोड़कर हेक्टर लेनी पड़ेगी या फिर हेक्टर छोड़ के वेरना की ओर आपको जाना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि वेरना हेक्टर से काफ़ी बेहतर और सुपीरियर गाड़ी है डिस्पाइट ऑफ बीइंग इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, या फिर आप सोचते हैं कि हेक्टर ही एक बेहतरीन कार है। दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके नज़रिए से आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय मेरे लिए हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और अगर ऐसे ही कई सारे सवाल आपके जहन में चल रहे हैं दोस्तों तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों प्राइस बजट की और सेगमेंट की। तो ये दोनों ही गाड़ियां 4 मीटर प्लस के सेगमेंट में आती हैं, जहां पर वेरना एक मिड साइज सेडान कार के सेगमेंट में आती है, और वेरना की सेगमेंट की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है लगभग 7,49,000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख प्लस तक ये गाड़ी चली जाती है। इस सेगमेंट में आपको वेरना के अलावा स्कोडा की रैपिड, मारुति की सियाज, होंडा की अमेज और फोक्सवैगन की वेंटो जैसी गाड़ियाँ आती हैं। वहीं हेक्टर एक 4 मीटर प्लस एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है दोस्तों, जिसके सेगमेंट की कीमत 9,89,000 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग 25 लाख रुपये से ऊपर तक चली जाती है। इस सेगमेंट में आपको हेक्टर के अलावा ह्यूंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, टाटा की हैरियर और जीपी कंपा जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हेक्टर हर एक चीज़ में वेरना से बड़ी है। लेंथ में ये 215 mm, विड्थ में 106 mm, हाइट में 285 mm और व्हील बेस में 105 mm ज़्यादा बड़ी है। और नेचुरली ये एक बड़ी एसयूवी है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहाँ पर वेरना में आपको मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है लगभग 6,000 RPM पर, और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा 1500 से लेकर 4,000 RPM पर। वहीं डीजल में आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन 115 PS की पावर प्रोड्यूस करके देता है 4,000 RPM पर, और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 1500 से लेकर 2,700 RPM पर।
अब मुड़ते हैं हेक्टर की तरफ, तो हेक्टर में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 143 पीएस की पावर प्रोड्यूस करके देता है एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जनरेट करके देगा 1600 से लेकर 3600 आरपीएम पर। डीजल की जहां तक बात है, फीएट सोर्स आपको इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 170 पीएस की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों 1750 से लेकर 2500 आरपीएम पर। इसमें कोई दो राय नहीं है या फिर चौंकाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर भी दोस्तों हेक्टर एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित होती है और ये फिगर्स भी मुझे एक्सपेक्टेड थे, आपको भी एक्सपेक्टेड होने चाहिए क्योंकि वेरना का इंजन कम पावर और कम टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियाँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में कैसी है और एक नज़र हम डालेंगे कर्व वेट पर, तो जिसे जानकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत है। तो जहां तक वेरना के वज़न की बात है, वेरना का कर्व वेट है दोस्तों 1143 किलोग्राम से लेकर 1255 किलोग्राम तक, वहीं हेक्टर का वज़न है 1539 किलोग्राम से लेकर 1687 किलोग्राम तक। यहां पर भी जाहिर सी बात है हेक्टर को ही बाजी लेकर जानी थी क्योंकि हेक्टर का वज़न वेरना से लगभग 396 किलोग्राम से लेकर 432 किलोग्राम तक ज़्यादा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, तो जहां पर वेरना में आपको अप्रॉक्सीमेटली 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं MG की हेक्टर एक SUV होने की वजह से आपको 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर पाती है जिसकी वजह से आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो दोस्तों, जो कि वेरना में करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे दोनों गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर, तो जहां पर वेरना में आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं MG की हेक्टर में आपको 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो वेरना आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है, वहीं MG की हेक्टर आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करती है जो वेरना से 15 लीटर ज़्यादा है। और हमेशा की तरह जहां तक फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है, हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की, तो जहां पर MG की हेक्टर आपको 14 किलोमीटर से लेकर 17.7 KMPL तक का माइलेज ऑफर करती है, वहीं Hyundai की वेरना आपको 17.7 KMPL से लेकर 25 KMPL तक का माइलेज ऑफर करती है। तो माइलेज के मामले में यहां पर डेफिनेटली वेरना कहीं आगे निकल जाती है MG हेक्टर से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में, तो जहां पर Hyundai की वेरना आपको मात्र 480 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर पाती है, वहीं MG की हेक्टर आपको कम्प्लीटली 587 लीटर का एक स्पेशियस बूट ऑफर करती है दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में। वेरना जहां पर आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती है, वही MG की हेक्टर में बेस वेरिएंट से एक लेवल ऊपर का वेरिएंट होने के बावजूद भी यहां पर आपको MG 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती है, तो है ना बेहतरीन बात दोस्तों। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोनों गाड़ियों में आपको मिलने वाले कॉमन फीचर्स। प्राइस में भी थोड़ा बहुत गैप है, उस प्राइस पॉइंट पर क्या कॉमन फीचर्स ये ऑफर करती है इस पर एक गौर कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, दोनों गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs आपको मिल जाती हैं, दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट फॉग लैंप्स आपको मिल जाते हैं, LED टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं और ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जहां पर वेरना में 16 इंचेस मिलते हैं, वहीं MG की हेक्टर में आपको 17 इंचेस मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVMs मिल जाते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर। दोनों गाड़ियां आपको शार्क फिन एंटीना, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर का फीचर ऑफर करती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है, वेरना में आपको मिलेगा 8 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वहीं MG की हेक्टर आपको ऑफर करेगी 10 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम। और जाहिर सी बात है इसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों गाड़ियाँ आपको ऑफर करेगी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे, दोनों गाड़ियों में आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग ABS प्लस EBD ऑफर कर देती हैं।
दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, रियर व्यू पार्किंग कैमरा एंड रियर सेंसर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। कॉर्नरिंग लैंप का फीचर दोनों गाड़ियां ऑफर कर पाती है, उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाएगा, चारों के चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं दोस्तों, और लास्ट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं वेरना में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको एमजी की हेक्टर में नहीं मिलेंगे दोस्तों। और सबसे पहला फीचर है जो आपको वेरना ऑफर करेगी वो है ट्विन टिप एग्जॉस्ट मफलर, साथ ही साथ आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉप मिलेगा जो आपको एमजी की हेक्टर में इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाएगी, ह्युंडई ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, ह्युंडई का आई ब्लू ऑडियो रिमोट एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाएंगी, पेट्रोल वेरिएंट में आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ वेरना आपको ऑफर कर देती है, साथ ही साथ में आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिलेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा जहां पर एमजी की हेक्टर में आपको ये मैनुअल एसी मिलता है, उसके बाद में आपको मिलेगा वायरलेस फोन चार्जर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आपको मिल जाएगा, डेड पेडल फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा। वेरना के इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, वहीं हेक्टर में आपको केवल ड्यूअल एयरबैग मिलेंगे, हेक्टर के टॉप एंड वेरिएंट में आपको भी 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल का फीचर यहां पर मिलेगा, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको मिलेगा वेरना में, साथ ही साथ उसमें आपको टेलीमेटिक स्विचेस आएंगे जैसे कि SOS, ब्लू लिंक और रोड साइड असिस्टेंस के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलेगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें से कई सारे फीचर ऐसे हैं दोस्तों जिनके होने या ना होने से हमें वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज सब्जेक्टिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हेक्टर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको ह्युंडई की वेरना में नहीं मिलेंगे दोस्तों, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि SUV होने की वजह से हेक्टर में आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, रियर स्पॉयलर आपको ऑफर किया जाता है, टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है MG हेक्टर का उसमें आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर एंड वॉशर मिलेगा, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी MG की हेक्टर में मिल जाता है। तो ये कुछ 6-7 फीचर है दोस्तों जो आपको MG की हेक्टर में मिल जाते हैं, वेरना में ये नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर वेरना में आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, 4 साल 60,000 या फिर 5 साल 50,000 किलोमीटर की 3 वारंटी ऑप्शंस, साथ में 3 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। वहीं MG के हेक्टर में आपको मिलेगा 5 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी ऑफर, 5 साल की रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज और 3 साल के बाद में 60% कैश पर बायबैक गारंटी का ऑफर मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर MG की हेक्टर इस मामले में एटलीस्ट जेन्युइनली एक बेहतरीन वारंटी ऑफर आपको दे पाती है जो कि वेरना आपको नहीं देती है। आप क्या सोचते हैं दोनों में से कौन सी वारंटी आपको बेहतर लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अब हम दोनों गाड़ियों के थोड़े से मेंटेनेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मारुति के बाद में ह्युंडई इकलौती ऐसी कंपनी है जो हमारे देश में इंडिया में बेहतरीन तरीके से अपने पांव जमा पाई है मारुति के बाद में। मारुति का मेंटेनेंस हमेशा लो माना जाता है दोस्तों, और मारुति के बाद में अगर लो मेंटेनेंस के मामले में किसी कंपनी का सबसे पहले नाम आता है तो वो है ह्युंडई। ऑन दी अदर साइड अगर आउटर लेयर पर हम देखें तो MG की हेक्टर का मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा लगता तो है, पर बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये आपको कोई दिक्कत देने वाला है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है दोनों ही गाड़ियों का प्राइस गैप या फिर प्राइस क्लैश। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ दोस्तों, जो भी प्राइसेस मैं यहाँ पर कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, और अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट्स की। वेरना का जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल टॉप वेरिएंट है जिसका नाम है SX ऑप्शनल, DCT में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलेगा 13,99,000 रुपये तक का। वहीं हेक्टर का जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वेरिएंट है जिसका नाम है सुपर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलेगा केवल 13,54,000 रुपये तक का, जो कि वेरना के 1 लीटर पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट से 45,000 रुपीज़ सस्ता आता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। वहीं हेक्टर का जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज
सुपर हाइब्रिड वेरिएंट है। मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 14,14,000 रुपये का, जो कि वेरना से मात्र 14,000 रुपये महंगा आता है। तो ये भी एक बेहतरीन सौदा हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डीजल इंजन के बारे में। तो जहां पर वेरना में आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है, SX ऑप्शनल वेरिएंट, ये आपको मिलेगा एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 15,09,900 रुपये, यानी कि आप लगभग कंसिडर कर सकते हैं 15,10,000 रुपये। वहीं हेक्टर का जो फीएट सोर्स 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन का वेरिएंट है, जिसका नाम है सुपर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा मात्र 14,88,000 रुपये तक का, जो कि वेरना से लगभग 21,900 रुपये, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपये सस्ता मिल जाता है। वेरना यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हेक्टर से 22,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये महंगी है, लेकिन इसमें एडिशनल कॉस्ट की जगह पर आपको 18 लगभग ऐसे फीचर्स दिए हैं जो आपको हेक्टर ऑफर नहीं कर पाती है, जिस वजह से ये कॉस्ट जस्टिफाई हो जाती है। वो सारे फीचर्स मैं आप सभी के लिए दोबारा स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां से उसे 2 मिनट के लिए पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब सोचना कंज्यूमर को है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप क्या लेना चाहते हैं। एक नज़र हम दोनों गाड़ियों के कंपटीशन पर भी डाल लेते हैं दोस्तों। वेरना के सेगमेंट में कंपटीशन के तौर पर यहाँ पर आपको मारुति की सियाज आएगी, स्कोडा की रैपिड आएगी, फोक्सवैगन की वेंटो आएगी और होंडा की सिटी आ जाती है। ह्युंडई का अगर प्राइस हम बात करें वेरना की, तो लगभग 60,000 रुपये से लेकर अगर 1,00,000 रुपये ह्युंडई कम कर पाती तो इस गाड़ी को कोई तोड़ नहीं पाता। यहाँ पर वेरना की प्राइस ही एकमात्र ऐसी वजह है जिसकी वजह से हेक्टर यहाँ पर इसे कंपटीशन दे सकती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेक्टर की कंपटीशन की, तो हेक्टर के सेगमेंट में किया की सेल्टॉस, ह्युंडई की क्रेटा, टाटा की हैरियर और जीप कंपास जैसी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ इसके कंपटीशन में आती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, और एक नज़र हम इन दोनों गाड़ियों की कमियों पर यानी कि ड्रॉबैक पर भी डाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छाइयाँ प्राइस पॉइंट और फीचर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक का रीज़न है दोस्तों प्राइस पॉइंट की वजह से, और SUV सेगमेंट इंडिया में हॉट सेलिंग कार सेगमेंट बन जाने की वजह से पहले के मुकाबले अब वेरना के सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही कम बिकती हैं। उसी के साथ साथ ह्युंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस और MG की हेक्टर एंड टाटा की हैरियर, इन गाड़ियों के लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेट ऑप्शन बनता जा रहा है। अगली कमी है दोस्तों, इस पर हम वेरना के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेरना में आपको जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है वो केवल टॉप एंड वेरिएंट में और केवल DCT के साथ में आता है। ये इंजन किसी और वेरिएंट में और मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं मिलता, मुझे ये एक ड्रॉबैक लगता है। अगला ड्रॉबैक है वेरना का, मेरे हिसाब से मुझे ये ओवर प्राइस लगती है। अगली चीज़ है वेरना के बारे में दोस्तों, अगर वेरना के अंदर आप बैठकर देखेंगे तो अब रियर सीट पर आपको स्पेस में कमी ज़रूर महसूस होगी रियर सीट पर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं MG हेक्टर की कमियों के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि इसमें डीजल इंजन के ऑप्शंस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। इसका जो 10 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स में आपको एक लैग ज़रूर नज़र आएगा दोस्तों, और ये एक नई कंपनी होने की वजह से इसके शोरूम्स यानी कि डीलर्स और सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है। ये कुछ कमियां मुझे MG हेक्टर के बारे में नज़र आती हैं। अब मुड़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर हम किसी भी एक गाड़ी को क्लियर विनर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके रिक्वायरमेंट, इनके फीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जहां पर वेरना में हमें कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, हर एक वेरिएंट के ऑप्शन के साथ में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल हो जाता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स के साथ में भी आपको वेरना आ जाती है, वहीं MG की हेक्टर में हम कई चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वेरना से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और स्ट्रांग है। हेक्टर एक बड़ी प्रीमियम क्लासी मैच्योर स्टाइलिंग SUV है दोस्तों, स्पेशियस है, बेस्ट फिट एंड फिनिश आपको ऑफर करती है, बेटर इंजन पावर परफॉर्मेंस एंड आउटपुट आपको ऑफर करेगी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग आपको ऑफर करती है, कंफर्टेबल है ज़्यादा और बेटर 5 ईयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर के साथ में MG की हेक्टर आती है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आप सभी से कहा है कि अब ये कंज्यूमर को सोचना है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी ज़रूरत क्या है, और उसके हिसाब से आप चाहे तो सेडान भी ले सकते हैं या आप चाहे तो SUV भी ले सकते हैं। मेरी अगर आप राय चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए MG की हेक्टर को लेना पसंद करूँगा, क्योंकि एक सेडान की कीमत में अगर मुझे एक बड़ी SUV मिल रही है तो डेफिनेटली मैं हेक्टर की तरफ जाना चाहूँगा।
लेकिन मेरे इस चॉइस का जो पूरा क्रेडिट है दोस्तों, वो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वेल लोडेड विद द फीचर्स फ्रॉम बेस वेरिएंट एमजी हेक्टर। वेल फिनिश्ड रूमी एंड कंफर्टेबल केबिन आता है इसका, पावर परफॉर्मेंस एंड बेहतर आउटपुट आपको मिल जाएगा। प्राइस गैप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके अलावा एमजी की हेक्टर का जो इम्पोजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और लास्ट में सबसे बेहतर इन वारंटी ऑफर, ये सारी चीज़ें हैं जिनको ये क्रेडिट जाता है। और इसके अगेंस्ट में अगर मुझे एमजी की हेक्टर में वेरना के अलावा अगर कुछ फीचर्स को सैक्रिफाइस या एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं मिलेंगे, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को, जो लोग इन सभी फीचर्स के बिना नहीं जी सकते हैं जो वेरना में मिलते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली अपने लिए सेडान चूज सकते हैं और वेरना की ओर जा सकते हैं। बाकी लोग जो थोड़ा सा अलग नज़रिया रखते हैं मेरी तरह, वो क्लियरली हेक्टर को चुन सकते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि अपने लिए आपने वेरना को चुना है या फिर एमजी की हेक्टर को। आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपकी राय में दोनों गाड़ियों में से आज के इस घमासान में कौन सी गाड़ी जीती है, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।